दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि आज साउथ की फिल्में बॉलीवुड पर काफी भारी पड़ती जा रही हैं, जिसका फुल क्रेडिट जाता है इन फिल्मों में काम करने वाले अभिनेताओं को, जो अपनी कॉमेडी, धाकड़ एक्टिंग और जबरदस्त स्टाइल से फिल्म को रोमांचक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तभी तो आज बॉलीवुड अभिनेताओं से ज्यादा दर्शक साउथ के अभिनेताओं को पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इन साउथ एक्टर के बारे में तो सभी कुछ जानते हैं, पर क्या आप उनकी पत्नियों के बारे में जानते हैं जो खूबसूरती के मामले में बॉलीवुड के अभिनेत्रियों पर भारी पड़ती हैं? इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 साउथ स्टार की पत्नियों से रूबरू करवाएंगे, जिन्हें देख आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे। इसलिए आपको उनका दीवाना बनाने के लिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर नाम आता है रजनीकांत का। साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड की फिल्मों में इंटरेस्ट रखने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो अभिनेता रजनीकांत से अपरिचित हो। इनकी लाजवाब एक्टिंग के बदौलत आज इन्हें साउथ इंडस्ट्री में लोग भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन अगर बात करें इस मेगा स्टार की पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम लता रजनीकांत है, जिन्होंने इनसे साल 1981 में शादी की थी और इस शादी से इन्हें दो बेटियों का आशीर्वाद मिला है, जिनका नाम सौंदर्या और ऐश्वर्या है, जिनके साथ आज ये काफी खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। और कोच डियान जैसी फिल्मों का निर्माण किया है। नंबर 2 पर नाम आता है दर्शन थुगुदीप का। साउथ इंडस्ट्री की कई फिल्मों में अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग के साथ अपनी कॉमेडी से लोगों का दिल जीतने वाले अभिनेता दर्शन आज भी एक से भरकर एक धाकड़ फिल्में देखकर लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इस दमदार एक्टर की वाइफ के बारे में, तो इनकी वाइफ का नाम विजयलक्ष्मी दर्शन है, जो कि एक हाउसवाइफ है और लाइमलाइट में बहुत ही कम स्पॉट की जाती हैं। इन्होंने इनके साथ साल 2000 में घर बसाया था और आज भी इनके साथ काफी खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। आज उनका एक बेटा भी है, जिनका नाम विनेश युगुदीप है। नंबर 3 पर नाम आता है सूर्य का। सिंघम, थाना, सिरंगा, कुटुम, गजनी जैसी तमाम फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरने वाले अभिनेता सूर्य आज तेलुगु इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर साउथ में खूब तहलका मचाया है। लेकिन अगर बात करें इनकी रियल लाइफ पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम ज्योतिका है, जो कि साउथ इंडस्ट्री की जानी मानी एक अभिनेत्री है। कई फिल्मों में काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे और फिर देर ना करते हुए साल 2006 में शादी रचा ली थी। वर्तमान में इनकी शादी को करीब 14 साल होने वाले हैं, पर आज भी दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। अगर बात करें ज्योतिका की खूबसूरती के बारे में, तो दिखने में बेहद ही चार्मिंग लगती हैं और अपनी खूबसूरती के मामले में कई बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को भी टक्कर देती हैं। नंबर 4 पर नाम आता है जूनियर एनटीआर का। काफी कम समय में साउथ इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक धाकड़ फिल्में देने वाले एनटीआर को आज भला कोई कैसे भूल सकता है, जिन्होंने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्में दी थी। साथ ही वो जल्द ही एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म लेकर आने वाले हैं, जिसका नाम है RRR। लेकिन अगर बात करें इस दमदार एक्टर की पत्नी के बारे में, तो उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी प्रांथिया है, जिनसे इन्होंने साल 2011 में लव मैरिज की थी और 9 सालों बाद भी दोनों के बीच बेशुमार प्यार है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनकी पत्नी लक्ष्मी आंध्र प्रदेश के शाही परिवार से ताल्लुक रखती है, जिनमें इनकी मां नरने मलिका आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। नंबर 5 पर नाम आता है महेश बाबू का। साउथ इंडस्ट्री की जाने माने सुपरस्टार महेश बाबू की एक्टिंग का तो कोई जवाब ही नहीं। इनकी एक्टिंग में वो खासियत है जो दर्शकों को अपने से कनेक्ट करके रखती है और आज महेश बाबू न सिर्फ अपने एक्टिंग के लिए बल्कि अपने लुक्स के लिए भी चर्चाओं में बने रहते हैं। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की रियल लाइफ पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम नम्रता शिरोडकर है, जो की बॉलीवुड की मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं और साउथ से लेकर बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा भी मनवा चुकी हैं। इन्होंने इनसे साल 2005 में लव मैरिज की थी और आज भी इन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बरकरार है। तो दोस्तों, आपको इन साउथ एक्टर में से किस एक्टर की एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड और टॉलीवुड से जुड़ी ऐसी चटपटी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।